नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल सुरजीत में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से थंबनेल कैसे बना पाएंगे। अगर आपका भी YouTube पर एक चैनल है और आप अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बनाना चाहते हो, एक अच्छा सा अच्छा थंबनेल बनाना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर में आप अपने यूट्यूब वीडियोज़ के लिए एक अच्छा सा अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। और मैं जो थंबनेल बनाता हूँ, मैं अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ किस तरह के मेरे थंबनेल होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मेरे इसी वीडियो के लिए मैं जो थंबनेल बनाया था, थंबनेल कैसे बनाएं फुल HD में सिर्फ 1 मिनट में पूरी जानकारी। तो इस प्रकार से आप जो है थंबनेल बना सकते हो, बहुत सारे थंबनेल आपको हमारी गैलरी में मिल जाएंगे। और ये सारे थंबनेल में जो है, यानी कि एक थंबनेल बनाने में सिर्फ मुझे 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है। फिलहाल आप जब शुरू में बनाओगे तो आपको हो सकता है कि 5 से 10 मिनट भी लग जाएं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके आपका इस पर हाथ बैठ जाएगा और आप इसे 1 से 2 मिनट में आसानी से तैयार कर लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिल सके। दोस्तों, मोबाइल से थंबनेल बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या तो PixArt ऐप इंस्टॉल कर लेना है या फिर PixLive, इनमें से कोई भी एक इंस्टॉल कर लेंगे तो आप उससे आसानी से थंबनेल बना सकते हैं। तो मैं इन दोनों को इंस्टॉल करके रखा हूँ, क्योंकि मुझे जब जी करता है मैं PixArt से बना लेता हूँ, जब जी करता है PixLive से। दोनों से काफ़ी अच्छा जो है थंबनेल बन जाता है। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि PixArt एप्लीकेशन के थ्रू एक अच्छा सा अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे PixArt इंस्टॉल कर रखा है। ये ऐप जो है आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, PixArt वहाँ पे डाल के डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने ये PixArt की जो ऐप है कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऊपर साइड में एडिट ए फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चूज करना होगा, तो बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है। कई सारे कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जो भी कलर आप अपने थंबनेल के बैकग्राउंड में देना चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे नीचे भी फ्री बैकग्राउंड दिए गए हैं। फिलहाल मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो थंबनेल लगा है ऊपर साइड में, वो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है। तो मैं सेम वही थंबनेल आपको बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद में यहाँ पे नीचे साइड में आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्रॉप, सबसे ऊपर देख सकते हैं क्रॉप लिखा है, तो क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब जो एक थंबनेल की डायमेंशन होती है, उसके लिए आपको 16:9 सेलेक्ट करना होगा इस वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे जो एक थंबनेल की डायमेंशन, उसकी हाइट विथ होती है, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको टिक वाले मार्क पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, एक जो थंबनेल की साइज होती है, उसका जो आकार होता है, यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, इतना बड़ा थंबनेल होता है। अब यहाँ पे आपको जो भी लिखना है आप आसानी से लिख सकते हो। अब यहाँ पे जैसे मैं जो थंबनेल लगाया हूँ, उसमें सबसे पहले YouTube का जो लोगो है वो लगा हुआ है, तो मैं जो है YouTube का लोगो, यहाँ पे आपको जाएंगे तो आपको एक ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद में मैं अपनी गैलरी में चलता हूँ। गैलरी में चलने के बाद में YouTube के लोगो को मैंने इरेज करके रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे इरेज करके रखा है। तो मैं इसे जो है ऐड सेलेक्ट करके, उसके बाद ऊपर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये जो YouTube का लोगो है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप किसी भी फोटो को PNG में बदलना चाहते हो या फिर उसका जो बैकग्राउंड है उसे इरेज करना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखा है। ये वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी फोटो को जो है इरेज करना चाहते हो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हो, तो आसानी से उस जो है वीडियो को देखकर आसानी से उसे रिमूव कर सकते हो। तो मैं इस फोटो को, यानी कि यूट्यूब के इस लोगो को, अपने अकॉर्डिंग कहीं पर भी जो है यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे सेट कर लिया। ठीक, अब उसके बाद में लिखा है थंबनेल, तो उसके बाद में आपको टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पे जो है देख सकते हैं एक टेक्स्ट का ऑप्शन नीचे मिल जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ थंबनेल। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थंबनेल लिख दिया। और लिखने के बाद में यहाँ पे इसका कलर कोई सेलेक्ट नहीं है, तो मैं नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कलर का,
कलर का, यानी कि कलर का, तो कलर के ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे कि मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर लगाया है, तो मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। और तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ले लिया और इसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले जाके फिक्स कर लेता हूँ। और इसका साइज थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको एक बताने के लिए बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे और भी जो है अच्छे से बना सकते हैं। सेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा है देखने में लगेगा। ठीक, तो अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। चलो मान लो मैंने इतने पे सेट कर लिया है। उसके बाद में मैंने लिखा है नीचे कैसे बनाएं, तो फिर आपको दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूँ कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है तो मैं क्वेश्चन मार्क भी लगा दूंगा। उसके बाद में ओके कर दिया। अब यहाँ पे कलर आपको सेलेक्ट करना होगा, फिर नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे मेरा ब्लू कलर है तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर पे जाके इसको सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कलर, मैं ब्लू कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसका फॉन्ट देख सकते हैं थोड़ा पतले में है, तो क्योंकि इसका फॉन्ट भी हमें चेंज करना होगा। तो यहाँ पे नीचे एक आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, फॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। आप एक अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे ये हेलवेटिका बोल्ट, ये जो लिखा है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैंने इसी फॉन्ट को लगाया था। और इसके बाद में यहाँ पे आप क्लिक करके इसे छोटा बड़ा मोटा पतला अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं इसे जो है यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इधर जो है लेफ्ट साइड में मैं यहाँ से इसे थोड़ा खींच के इधर साइड में बड़ा कर देता हूँ। अब देख सकते हैं सेम उसी प्रकार से ये भी जो है तैयार हो रहा है थंबनेल। उसके बाद में फिर मैंने लिखा है नीचे फुल HD, हैं क्या लिखा है मैंने, फुल HD, तो मैं नीचे लिख देता हूँ फुल HD। तो इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ फुल HD, FUL फुल HD। उसके बाद मैंने डैश लगाया है, उसके बाद में मैंने हिंदी में लिखा है सिर्फ एक मिनट में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिर्फ एक मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे भी लिख दिया। और आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग ऐसे पकड़ के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एरो का निशान दिख रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर रखना चाहते हो इसे ड्रैग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। रोटेट करना चाहते हो तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार से इसे रोटेट भी कर सकते हो। सारे यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जो है रेड कलर दिया हूँ, तो आप यहाँ से भी रेड कलर चूज कर सकते हैं यहाँ पे जो कलर दिए गए हैं, या फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है रेड कलर जो है सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं टेढ़ा हो रखा है, तो मैं इसे जो है सीधा करूँगा भी, इस प्रकार से सीधा हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसे लिख दिया फुल HD। ठीक, उसके बाद में आगे लिखा है पूरी जानकारी, तो मैं फिर इस पे टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट ले लेता हूँ। उसके बाद में इसमें हिंदी में लिख देता हूँ पूरी जानकारी है। पूरी जानकारी, उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देना है, उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे उस पर मैंने कलर सेलेक्ट किया था रेड कलर का, सेम उसी प्रकार से आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको कलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी इसे फिक्स करना चाहते हैं फिक्स कर सकते हैं। छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे थोड़ा सा छोटा किया, उसके बाद ये फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं थंबनेल जो है पूरी तरह जो है तैयार हो चुका है। यूट्यूब का जो लोगो है उसे भी लगा दिया। थंबनेल कैसे बनाएं फुल HD सिर्फ एक मिनट में, पूरी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा भी देखने में लग रहा है। इसके अलावा आप किसी भी टेक्स्ट पर बैकग्राउंड देना चाहते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड डाल के उसके बाद में टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं, तो ये भी सारे जो है इसमें ऑप्शन मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छा ऐप है, आप इसे इंस्टॉल करके आप आसानी से थंबनेल बना सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। फिलहाल मैं एक जो सिंपल तरीके से जो एक थंबनेल बनाया जाता है उसी के बारे में आपको बताया हूँ। और मैं कभी जो है एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के थ्रू जितने भी इसमें जो है फीचर्स दिए गए हैं उनका यूज कैसे कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अगर आप जैसे विग्नर्स हैं, अभी हाल में जो अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है और आपको थंबनेल बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एक अच्छा से अच्छा थंबनेल अपने वीडियो के लिए बना सकते हैं।
और हाँ, ये थंबनेल बनाने के बाद में आपको ऊपर साइड में जो राइट का टिक दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में फिर जो एरो दिख रहा है और एरो पे क्लिक करके आपको अपनी मोबाइल फ़ोन की गैलरी के ऊपर क्लिक करना है और उसमें ये सेव हो जाएगा, आपकी गैलरी में मिल जाएगा। आप जब भी अपनी वीडियो में लगाना चाहें अपनी गैलरी से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ।